नमस्कार दोस्तों। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी के एडमिशन लगातार हो रहे हैं, कट ऑफ्स जारी हो रही हैं लगातार, उस पर आप ध्यान बनाए रखिए। लेकिन यहाँ परेशान हैं जिन्होंने CUET दिया है, UG में एडमिशन होना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। एक बात मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, कॉम्पिटिशन जम के है। 62,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 31 जुलाई लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, और जिसमें से करीब 50,000 बच्चों ने फीस भी जमा कर दी है। तो एक बात जान लीजिए कि उन्हीं का एडमिशन होना है जिन्होंने फीस वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया था, 31 जुलाई लास्ट डेट थी। और मतलब प्रश्न ये है कि लेट क्यों हो रहा है, CUET की कट ऑफ वगैरह क्यों नहीं आ रही। तो जानकारी ये आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस पे जानकारी भी दी है कि क्यों लेट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों ने अब कट ऑफ जारी वगैरह शुरू कर दिया, DU वगैरह में एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अभी तक UG के एडमिशन्स क्यों नहीं हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा कि विश्वविद्यालय ने बताया है कि जैसे जब आपने CUET फॉर्म भरा तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाली, उसके बाद जो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना था, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, उसमें और CUET के फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई। कई सारे छात्रों ने ज़्यादा दिमाग का यूज करके अपने को डाल दिया कि हम लोग NCC भी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ उन्होंने CUET वगैरह में ये सब ऑप्शन थे उसमें नहीं डाला। तो अभी संशोधन होना है और इसी कारण से CUET की कट ऑफ वगैरह अभी अटकी है। नहीं तो विश्वविद्यालय ने पहले ये कहा था कि हम 10 अगस्त से पहले CUET की कट ऑफ वगैरह जारी होने लगेंगे, एडमिशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही कारण है, अभी संशोधन होना है, अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप लोग उसमें करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो खुला है, करेक्शन करें। और यही कारण है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कट ऑफ नहीं जारी हो रही है, क्योंकि आपने जो आपका CUET फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उनमें इंफॉर्मेशन वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह की जो कैटेगरी है वो अलग है, नाम वगैरह जो भी हैं, कई सारे करेक्शंस होने हैं या फिर सेम नहीं है, इंफॉर्मेशन सेम नहीं है दोनों का, CUET और एडमिशन फॉर्म जो आपने भरे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो भी आपने पंजीकरण किया है वो दोनों फॉर्म में सेम नहीं है, इसलिए कई NCC वगैरह और इन सब चीज़ों का भी मैटर है, इसीलिए अभी तक फॉर्म नहीं हो पाया है, CUET का कट ऑफ नहीं आ रहा है। बाकी निश्चिंत रहिए, आप मान लीजिए कि अभी आज 9 तारीख है, अगस्त के लास्ट और नहीं तो सितंबर के पहले वीक, ये मोस्टली अगर चांस बनता है, जैसा कि विश्वविद्यालय बता रहा है कि वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, अगस्त के लास्ट तक कट ऑफ आने की पूरी संभावना है।